हेलो एवरीवन, माय सेल्फ तनु सैनी। आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लेते हैं जो काउंसलिंग से रिगार्डिंग है, जिन्होंने AIAPGET 2024 दिया है उससे रिगार्डिंग जो भी काउंसलिंग का अपडेट आया है उसके बारे में हम जानते हैं, तो साथ में पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं है नीडेड, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है जो भी सेक्शन वगैरह है कि पीजी के लिए कोर्स है, काउंसलिंग हो रही है एडमिशन के लिए। ये पेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होता है जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का, तो वो यहाँ पे बताया है। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट है उन्हें परमिशन मिलेगी तब जाके आपका क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस होगा। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स बता रखा है कि ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट कोटा में कितनी होती है, तो ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 15% होता है और स्टेट कोटा में 85% होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। देन ऐसा कुछ इसमें है नहीं है, 85% स्टेट कोटा के लिए बोला गया है, तो ये मैं बता ही चुकी हूँ। बाकी तो फॉर्मेलिटीज़ है नीचे, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा शेड्यूल जो कि राउंड वन स्टार्ट हो रहा है 10 सितंबर से 19 सितंबर तक। ये ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट एडेड के लिए है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है और नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए है। तो इन शॉर्ट ये गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उनके लिए जो प्रोसेस होगा वो 10 से 19 तक होगा, और जो स्टेट कोटा से या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें काउंसलिंग प्रोसेस 19 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ जॉइनिंग बता रखी है कि 25 सितंबर रहेगी और 1 अक्टूबर रहेगा। ऐसे ही जो सीटें बचेंगी वो सेकंड राउंड में चली जाएंगी। अगर आपने राउंड वन में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप एलिजिबल रहेंगे कि आप राउंड सेकंड में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन्हें राउंड वन में सीट नहीं मिलेगी वो भी राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें दोबारा से अपना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से ही उनका हो जाएगा। देन राउंड थ्री में भी यही सब बताया गया है, डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं किसकी लास्ट डेट कब है। देन नीचे दे रखा है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, है ना, जो भी राउंड है आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपको राउंड वन में नहीं मिलती तो राउंड टू में मिलेगी, राउंड टू में नहीं मिलता तो राउंड थ्री में मिलेगा। फिर यहाँ पे कट ऑफ डेट बता रखे कि एडमिशन की क्या होगी, तो 5 दिसंबर में पता चलेगी कट ऑफ डेट जो होगी, अपलोडिंग जो करेंगे एडमिटेड स्टूडेंट्स डाटा वो होगा 5 दिसंबर के 6 PM पर। लास्ट डेट क्या होगी एडमिटेड स्टूडेंट को अपलोड करने का, जो लास्ट डेट होगा 5 दिसंबर ही रहेगा। ओके, और 20 दिसंबर को क्या होगा, डाटा अपलोडिंग हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल राउंड वाइज शेड्यूल बता रखा है कि कब प्रिपेयर होगा, अपलोड कब होगा, ठीक है, वो सब पब्लिकली होगा। और जो भी हमारे कमेंसमेंट डेट है वो 11 नवंबर को होगी, ये यहाँ पर बता रखा है। देन काउंसलिंग और एडमिशन के बारे में बता रखा है कि जो भी परमिटेड सीट है वो किसके थ्रू जाएंगी, वो NCSM के थ्रू ही होगी। 9th पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है कि 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए है। 10th में क्या लिखा हुआ है, वही सब लिखा हुआ है कि 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए आएंगी। 85% जो 11th पॉइंट में है वो किसके लिए आएगी, स्टेट कोटा के लिए आएगी, वी ऑल नो। देन 12th में क्या लिखा है कि ये सीट अलॉटमेंट जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मेरिट के अकॉर्डिंग होगा और कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। फिर 13th पॉइंट में क्या लिखा है कि जो बच्चे एलिजिबल नहीं हुए हैं, मतलब कि जैसे OBC के लिए 40% चाहिए लेकिन अगर उससे कम है, लाइक 30% है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू प्रोसेस दिस काउंसलिंग। ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो भी मतलब एक्ट वगैरह है वो यहाँ पे रेगुलेशन लिखी है, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिटेल लिखी है 15th पॉइंट में कि जिसकी 31 जुलाई 2024 में इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है वही कैंडिडेट्स इस काउंसलिंग को कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पर क्या लिखा है कि एलिजिबल क्राइटेरिया लिखा है कि 50% चाहिए ही इसमें ऑल इंडिया AIAPGET 2024 के लिए। ठीक है, देन इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि ओबीसी, एसटी, एससी जो भी अपनी कास्ट है उसे 40 परसेंटाइल क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, और जनरल के लिए 45 परसेंटाइल चाहिए, और 40 परसेंटाइल और किसके लिए चाहिए, जो कि डिसेबिलिटीज़ हैं जिन्हें, उनके लिए चाहिए। नो अपर एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी इसे भर सकता है अगर आप एलिजिबल हैं तो। कोई भी अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन नहीं देगी विदाउट काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग के बिना किसी को नहीं मिलेगा। 17th में क्या लिखा है कि एनी एडमिशन मेड बियॉन्ड अबव द इनटेक कैपेसिटी परमिटेड बाय NCSM, तो वही सब लिखा है। देन यहाँ पे कोर्ट के बारे में लिखा है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये तो प्रोसेस है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी मोड से या ऑफलाइन मोड से, या फिर आपने काउंसलिंग नहीं कराई और आप एडमिशन लेने चले गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पहले काउंसलिंग करानी होगी तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा, 20th पॉइंट में यही लिखा है। देन 21st में क्या लिखा है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने होंगे या वेरीफाई करना होगा, तभी जाकर आपका वेरीफिकेशन कंप्लीट होगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। देन एडमिशन क्या है, वो इनवैलिड माना जाएगा अगर आपने NCSM में नहीं कराया, या कोई भी आपका डिसएग्री रहा आपका कुछ भी, तो वो वहीं पर रोक दिया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे। देन इंस्टीट्यूट विल हेल्ड रेस्पॉन्सिबल इन केस स्टूडेंट फेस हार्डशिप ड्यू टू एडमिशन रेगुलरिटीज सच एज ऑफलाइन एडमिशन, एडमिशन विदाउट काउंसलिंग, काउंसलिंग बियॉन्ड सेक्शनाइज्ड इनटेक कैपेसिटी, वही सब लिखा है कि आपको कंपल्सरी है काउंसलिंग में बैठना, एंड देन आपको अपना सब कुछ अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, तब जाकर आपको एडमिशन मिलेगा, उसके बिना या इसके अलावा आपने कुछ किया तो आपको नहीं मिलेगा। देन 22 में क्या लिखा है कि कट ऑफ डेट जो है, कट ऑफ डेट और टाइम जो है एडमिशन का, उसी टाइम पर आपको एडमिशन मिलेगा, ना उससे पहले ना उसके बाद में। नो अथॉरिटीज़ हैज़ पावर टू एक्सटेंड मॉडिफाई कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन स्पेसिफाई NCSM, जो NCSM ने डेट बोली है वही होगी आपकी, या कोई अथॉरिटी नहीं इसको अप्रूव करा सकती, NCSM के थ्रू ही सब कुछ होगा, वही सब यहाँ पर लिखा है। मतलब कि आपको काउंसलिंग करानी ही पड़ेगी, उसके बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते, यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है। देन स्टेट और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ में डायरेक्ट एसोस कॉलेज इंस्टीट्यूट एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एज लेड डाउन इन रेस्पेक्टिव रेलिवेंट रेगुलेशन फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी एडमिशन के लिए बोला गया है, इसमें सच कुछ नहीं लिखा हुआ है। 26 में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। 27th में वही है कि 31st जुलाई 2024 में आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने अलॉटेड सीट पर एडमिशन ले पाएंगे। 28 में भी ऐसा कुछ नहीं है। 29 में सेंट्रल और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ सबमिट करेगी लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट जो भी एडमिट हुए हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। देन 30 में क्या लिखा हुआ है कि ऑल स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ आर रिक्वेस्टेड टू सी द वेबसाइट ऑफ ACCC आयुष का, मतलब उन्होंने कहा है कि ये वेबसाइट आपको देखते रहना चाहिए कि क्या स्कीम है, क्या शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। देन 31 में क्या लिखा हुआ है कि जो भी स्टेट काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी कब, जब सेंट्रल काउंसलिंग कंपेंस हो जाएगी, ठीक है, तभी तो डेट अलग बताई गई है सेंट्रल काउंसलिंग, क्योंकि वो 15% जाएगा, स्टेट कोटा का 85% है, तो उसके बाद होगा। देन 32 में क्या लिखा है कि स्टेट काउंसलिंग जो है वो एडमिशन के लिए बोला गया है, इसमें कि एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है और फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड करना है जो भी आपका वेबसाइट है उस पर, ठीक है। स्टेट आयुष एडमिशन रिपोर्टिंग पोर्टल, ऑल स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द राउंड वाइज डाटा ऑन एडमिशन मेड थ्रू स्टेट काउंसलिंग अंडर 85 स्टेट ऑफ कोटा, ये सब उन्होंने दे दिया है कि क्या शेड्यूल होगा, डिटरमिनेशन ऑफ फीस एंड अदर चार्जेस इन केस ऑफ एसोस अंडर NCSM। फ़ी क्या रहेगी, 50% ऑफ टोटल परमिटेड सीट इन प्राइवेट एसोस मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज विच आर गवर्न्ड अंडर NCSM एक्ट इज़ टू बी डिटरमाइंड बाय फी फिक्सेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव
स्टेट जो भी आपका रहेगा उसमें 50% जो है वो परमिटेड सीट के लिए रहेगी। ट्यूशन फीस यहाँ पे बता रखी है, जो भी आपके रेस्पेक्टिव कॉलेज का रहेगा वो सब आपको यहाँ पे देखना है, और जो भी आपके पीजी प्रोग्राम स्ट्रक्चर होगा, सिलेबस होगा, वो यहाँ मतलब कि शॉर्टली आपको नोटिफाई किया जाएगा। अब यहाँ पे एडमिशन जो काउंसलिंग का है 15%, जो कि ऑल इंडिया कोटा से होगा, वो प्राइवेट में जो भी होगा उसका बता रखा है यहाँ पर। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज शैल कंडक्ट काउंसलिंग फॉर 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा पीजी सीट अंडर प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, 15% ऑल इंडिया कोटा का ही रहेगा। देन सेकंड पॉइंट में क्या है कि स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज हैव टू कंडक्ट काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन 15% ऑल इंडिया कोटा। तो 15% किसका रहेगा? ऑल इंडिया कोटा का रहेगा। 85% जो रहेगा वो स्टेट कोटा का रहेगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन 15% ऑल इंडिया कोटा पीजी सीट ऑफ प्राइवेट एसोस इंस्टीट्यूट प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटीज अदर देन डीम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल ऑल इंडिया कोटा सीट दैट रिमेन वैकेंट आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग मे बी कन्वर्टेड टू द स्टेट कोटा काउंसलिंग। इन्होंने क्या कहा है कि अगर ऑल इंडिया कोटा सीट की जो सीट है वो रिमेन मतलब कि वैकेंट रह गई सेकंड राउंड के बाद, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? वो स्टेट कोटा में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर वो क्या रहेंगे आपके? स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही भरी जाएंगी। देन फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो स्टेट काउंसलिंग है शुड गिव वाइडर पब्लिसिटी अमंग क्वालिफाइड एस्पिरेंट रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग प्रोवाइड सफिशियंट टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर ईच राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब कि इन्होंने यही कहा है कि आपको सफिशियंट टाइम देना है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो ये दे ही रहे हैं। स्टेट मे डिसाइड ऑन ऑल इंक्लूसिव एप्लीकेशन कॉस्ट नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन एसोसिएट फॉर ऑल द कैटेगरी स्टूडेंट हाउएवर मैक्सिमम सीलिंग लिमिट्स फॉर दिस फी विल बी 2000। जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 रहेगी, वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग जो है वो रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी रहेगी, जो कि 50,000 रहेगी पीजी सीट के लिए, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए बोला गया है, वो रिफंडेड हो जाएगी, वो आपकी मतलब कि कॉलेज फीस में ऐड हो जाती है बाद में। द सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड इफ ए कैंडिडेट डज नॉट जॉइन द सेकेंड राउंड अलॉटेड सीट और सरेंडर विदड्रॉ द सीट सेकेंड राउंड जॉइंट सीट बेस्ड ऑन द कैंडिडेट रिक्वेस्ट। फर्दर द सिक्योरिटी मनी विल ऑल्सो बी फॉरफिटेड इफ द राउंड टू अलॉटेड सीट इज कैंसल्ड ड्यू टू एनी अनफोर्सीन रीजन फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन विच ए सीट मे बी अलॉटेड एंड लेटर कैंसल्ड बाय द एडमिशन अथॉरिटीज एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। इन्होंने कहा है कि अगर सेकंड राउंड में आपका कैंडिडेट मतलब कि उसे सीट अलॉट हो गई है और उसने अपनी सिक्योरिटी मनी भी दे दी है, तो वो आपको रिफंड हो जाएगी। ओके, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देन एट पॉइंट में क्या लिखा है कि मेक ए प्रोविज़न फॉर कैंडिडेट एडमिटेड इन ऑल इंडिया कोटा सीट ड्यूरिंग राउंड टू ऑफ स्टेट काउंसलिंग टू विदड्रॉ सरेंडर देयर एडमिटेड सीट बाय फॉरफिटिंग सिक्योरिटी मनी ओनली ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड बाई स्टेट अथॉरिटी। मतलब कि एक आपको टाइम दिया जाएगा, अगर आपको आपकी सीट छोड़नी है तो आप उस टाइम पीरियड में छोड़ सकते हैं। स्टेट अथॉरिटी कैन डिसाइड द टाइम पीरियड टू विदड्रॉ एडमिटेड सीट ऑफ राउंड टू विद फॉर फ्यूचर एज पर देयर काउंसलिंग शेड्यूल। आफ्टर द सेट पीरियड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ देयर सेकेंड राउंड एडमिटेड सीट इफ दे डू सो देयर विल बी इनएलिजिबल। अगर आपने गिवन टाइम में उसे नहीं छोड़ा तो आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी, और फिर आप अगर ऐसा करते हैं, अगर आप नहीं मानते हैं, तो आप मतलब कि एलिजिबल नहीं रहोगे। ओके, नाइन्थ पॉइंट क्या है? नो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड अलॉटेड ऑफ ऑल इंडिया कोटा। जो भी ऑल इंडिया कोटा पी जी सीट है उसमें कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। रिजर्वेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ 15% ऑल इंडिया कोटा इन प्राइवेट एंड एसोस इंस्टीट्यूट आर ओपन इन नेचर, ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। प्राइवेट में तो सभी रहते हैं,
एज़ मेंशन इन रिलेवेंट रेगुलेशन द रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइड क्राइटेरिया मे बी प्रोवाइडेड कैटेगरीज वाइज। फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो भी हैं वो अपना इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है, जो भी गाइडलाइन से वो आप पढ़ लेना। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज शैल रन एज इफेक्टिव क्वारी प्रोड्रेसल सिस्टम टू फैसिलिटेट द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस ऑफ पीजी कोर्स एंड प्रोवाइड ईमेल आईडी, मतलब कि एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया जाएगा स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी वेबसाइट पर। ओके, 13 में क्या लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड पीजी काउंसलिंग गाइडलाइन डेटेड 2/5/2024 फॉर द, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है, ये आपको साइट पे ही पता चलेगा। देन डायरेक्टिव फॉर यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी शैल नॉट अप्रूव एडमिशन मेड बाय कॉलेज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पे क्या कंडीशन बताएं कि ऑफलाइन एडमिशन नहीं लेना है, आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। एडमिशन विदाउट काउंसलिंग अगर आप कराते हैं तो आप अप्रूव नहीं होंगे, या फिर आप कट ऑफ डेट के बाद कराते हो एडमिशन तो भी आप अप्रूव नहीं होंगे, या फिर आप सेशनाइज्ड इनटेक कैपेसिटी के लिए बियॉन्ड कराते हैं तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, या फिर आप ओरिजिनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं तब भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये आपका कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि देयर शैल नॉट बी एनी इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग थ्रू एनी मोड, मतलब कि आपको इंस्टीट्यूट से अपना कोई काउंसलिंग प्रोसेस नहीं करना है, जो भी प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा एज अकॉर्डिंग टू NCISM। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टिव फॉर कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, नो कैंडिडेट हु हैज़ फेल टू ऑब्टेन मिनिमम एलिजिबिलिटी, अगर आपका 40% से ऊपर है फॉर OBC ST SC तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर शैल नॉट बी एनी इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग थ्रू एनी मोड एनी एडमिशन। इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होंगे कॉलेज में ही अपना जो भी फीस है वो दे देंगे कि एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं होगा, आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा, इसलिए बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। एनी एडमिशन मेड एट द इंस्टीट्यूट लेवल शुड नॉट बी अप्रूव्ड बाय NCISM यूनिवर्सिटी, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो अप्रूव नहीं होगा, ऐसा एडमिशन जो होगा वो आपका नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर शैल नॉट बी एनी ऑफलाइन एडमिशन और एडमिशन विदाउट काउंसलिंग स्टेट सेंट्रल के लिए जो भी है वो अप्रूव नहीं होगा। एडमिशन बियॉन्ड सेंशनाइज इनटेक कैपेसिटी एनी एडमिशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस शैल नॉट बी अप्रूव, वो अप्रूव नहीं होगा, ये बार बार एम्फोसाइज कर रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, एडमिशन मेड इन वायोलेशन ऑफ द NCISM डायरेक्टिव विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, जो भी NCISM के रूल हैं उसके अगेंस्ट अगर आपका कुछ भी एक्शन जाता है तो वो आपका इनवैलिड माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंस्टीट्यूट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन केस स्टूडेंट फेस हार्डशिप ड्यू टू एडमिशन इरेगुलरिटी, बार बार एम्फोसाइज कर रहे हैं, वही सब लिखा हुआ है, हम पहले ही बता चुके हैं कि कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका होगा, आपको रेलिवेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना होगा। अगर आप इररिलेवेंट कोई भी सर्टिफिकेट देते हैं तो आपका एक्शन लिया जाएगा कि आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। सेवन्थ पॉइंट क्या है, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट मस्ट विजिट सेंट्रल पोर्टल, जो भी सेंट्रल पोर्टल यहाँ पे गिवन है उस पर आपको जाना है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, वहाँ पर शेड्यूल वगैरह सब दिया जाएगा, अदरवाइज हम यहाँ पर अपना अपडेट आपको देते रहेंगे। ओके, कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। एसूम्स कॉलेज इंस्टीट्यूट शुड एंश्योर द एथेंसिटीज एंड करेक्टनेस ऑफ द डिटेल ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट बिफोर कम्प्लीटिंग एडमिशन प्रोसेस, जो भी आपका डिटेल है उसे करेक्ट करने के लिए क्या कुछ टाइम दिया जाएगा, लेकिन जब आप कट ऑफ डेट और टाइम के बाद आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, एक टाइम दिया जाएगा आपको। नाइन पॉइंट क्या है, कॉलेज शुड फॉलो काउंसलिंग शेड्यूल, अपलोड डिटेल्स ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट, नॉट रिपोर्टेड वैकेंट सीट if any for each round of the concerned counseling authority portal even on holidays, तो आपको ये पूरा इसमें प्रोसेस करना पड़ेगा, जो भी कॉलेज है अपना शेड्यूल देखें, वेबसाइट पे जाएं, अपलोड करें डिटेल्स एडमिटेड स्टूडेंट की। टेंथ क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल एडमिटेड स्टूडेंट विद ऑल डिटेल्स शैल बी अपलोडेड एंड सबमिटेड टू NCISM इन द फॉर्मेट डिस्क्राइब बाय NCISM ऑन और बिफोर 6 PM ऑन द कट ऑफ डेट।
5/12/2024 और एडमिशन एज स्पेसिफाई SESM। तो ये क्या है, लास्ट डेट बताइए कि ये कॉलेज का करना है, ठीक है, कॉलेज को करना है, हमें नहीं करना। कॉलेज शैल डिस्प्ले ट्यूशन फीस हॉस्टल फीस, मतलब सारी फीस दिखानी होगी, कॉलेज के लिए है ये, हमारे लिए नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड मिनिमाइज नंबर ऑफ नॉन रिपोर्टेड वैकेंट सीट, जितनी भी कैंडिडेट हैं मैक्सिमम वो आपको इसमें प्रोवाइड करने, ये हमारे लिए नहीं है, जो हमारे लिए है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। कॉलेज के लिए भी इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है कि कॉलेज शुड एंश्योर दैट कैंडिडेट अलॉटेड सीट थ्रू सेंट्रल स्टेट काउंसलिंग सबमिटेड द ओरिजिनल कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टेड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अदरवाइज हर एडमिशन शैल लिएबल टू बी कैंसल। इन्होंने कहा है कि जो भी आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना है, अगर आपने नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि वो ही एलिजिबल है जिनकी 31 जुलाई 2024 में कंप्लीट हो चुकी है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पर एब्रिविएशन लिखी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है,